हेलो लर्नर, माय नेम इज रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। ये देखिए, यूपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद के अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी किया। 13 नवंबर को होगा इम्तिहान। यानी कि जो आपका जो है डाउनलोड प्रॉब्लम हो रहा था, फिर मेल की जगह फीमेल लिखा आ रहा था, वो सारे इशू जो है सॉल्व हो गए। हम आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती के लिए द्वितीय चरण की परीक्षा 13 नवंबर को आयोजित होगी। ठीक, इसमें 18 विषयों में 70,000 से अधिक परीक्षार्थी को शामिल होना है। फिर इसमें दिया है कि पहली पाली में 36 केंद्रों में 35,749 और दूसरी में 38 केंद्रों पर 17,131 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने असिस्टेंट पदों पर भर्ती होने के लिए परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी कर दिया है। प्रवेश पत्र में आधिकारिक वेबसाइट upsesc.co.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए प्रयागराज में 33 केंद्र बनाए गए हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या के तहत 2003 पदों की भर्ती निकाली है। यहाँ पे आयोजित पहले चरण की परीक्षा संपन्न हो गई। ठीक, और फिर सैकड़ों अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र जारी नहीं होने से अव्यवस्था की स्थिति रही। परीक्षा से वंचित अभ्यर्थी आयोग के खिलाफ अभी तक प्रदर्शन कर रहे हैं। उसे देखते हुए द्वितीय चरण की परीक्षा का प्रवेश पत्र 5 दिन पहले जारी कर दिया गया। इसके तीसरे चरण की परीक्षा 28 नवंबर को होनी है। यानी आयोग पे पहले ही दबाव था। मैंने आपको बोला था कि वो लोग जो है सही करेंगे। अब इसके बाद जिसका भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अगर फ़ी पेमेंट किया है या फॉर्म सबमिट है तो डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक, तो बाकी आगे के अपडेट के लिए आप लोग जो है चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।